कुछ नियम ऐसे हैं जिनकी पालना हर किसी को करनी पड़ती है और कोई उसके नियमों से बच नहीं सकता है। सृष्टि के नियम से न सिर्फ इंसान बंधा होता है, बल्कि भगवान भी उतने ही बंधे होते हैं और उन नियमों का पालन उन्हें भी करना होता है। तभी तो अमृत का पान करने वाले देवताओं को भी मृत्यु का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि मृत्यु के देवता भगवान यम को दक्षिण के लोकपाल के रूप में जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यम पहले ऐसे प्राणी थे जिनकी मृत्यु हुई थी। उनकी इन्हीं वरीयता के आधार पर भगवान शिव ने उन्हें मरने वाले लोगों के शासक के रूप में ताज पहनाया। चलिए यह बात हम आपको यमराज और अमृत की कहानी के द्वारा समझाते हैं कि किसी तरह किसी की मृत्यु से पहले यमराज की ओर से संदेश दिया जाता है कि आपका अंतिम समय नजदीक है और अब आप मरने वाले हैं। एक समय की बात है, यमुना के किनारे अमृत नाम का व्यक्ति रहा करता था। वह यम देवता की दिन रात पूजा किया करता क्योंकि उसे अक्सर अपनी मौत का भय सताता रहता था। मौत को दूर रखने के लिए वह यमराज से दोस्ती करना चाहता था। यमराज अमृत की तपस्या से प्रभावित हुए। जब यमराज प्रकट हुए तो अमृत ने यम से अमरता का वरदान मांगना चाहा। तब यम ने अमृत को समझाया, जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना भी है, यही शाश्वत नियम है, कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता है। अमृत ने कृतज्ञ भाव से यम से कहा कि मैं अपनी दोस्ती के नाते एक और निवेदन करता हूँ कि अगर मौत को टाला नहीं जा सकता तो कम से कम जब मौत मेरे बिल्कुल करीब हो तो मुझे पता चल जाए ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ प्रबंध कर सकूं। इसके बाद यम ने अमृत को मौत की पूर्व सूचना देने का वादा कर दिया। यम ने इसके बदले में अमृत से कहा कि वह भी वादा करे कि जैसे ही उसे मृत्यु का संकेत मिलेगा वह संसार से विदा लेने की तैयारी करना शुरू कर देगा। यह कहने के बाद यमराज अदृश्य हो गए। ऐसे ही साल बीतते गए और अमृत ने यम के वादे से आश्वस्त होकर सारी साधना छोड़कर विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया। मौत की अब उसे जरा भी चिंता नहीं होती थी। धीरे धीरे उसके बाल सफ़ेद होने लगे। कुछ साल बाद उसके सारे दांत टूट गए। फिर उसकी आंखों की रोशनी भी कमज़ोर हो गई। फिर भी अभी तक उसे कोई यमराज का कोई संदेश नहीं मिला था। इसी तरह कुछ साल और बीते और अब वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गया। उसका शरीर बिल्कुल लकवाग्रस्त जैसी स्थिति में पहुंच गया। लेकिन उसने मन ही मन अपने दोस्त यम को मौत का कोई संदेश न भेजने के लिए धन्यवाद दिया। एक दिन वह हैरान रह गया। या जब उसने अपने पास यमदूतों को देखा उसने परेशान होकर घर में यमराज का पत्र ढूंढना शुरू कर दिया, पर उसे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला। जब वह यमलोक पहुंचा तो उसने यम को मुस्कुराते हुए देखा। उसने यमराज पर धोखा देने का आरोप लगाया। अमृत ने कहा, आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने अपना वादा नहीं निभाया। आपने वादा किया था कि आप मुझे मौत से पहले संदेश भेजोगे, लेकिन मुझे कोई संदेश नहीं भेजा। क्या आपको अपने दोस्त को धोखा देने में कोई शर्म नहीं आई? तब यमराज ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैंने तुम्हें 4 संदेश भेजे थे, लेकिन तुम्हारी लिप्सा और विलासितापूर्ण जीवन शैली ने तुम अंधा बना दिया था। यमराज ने कहा कि तुम बेवकूफ थे जो तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें पेन से कागज पर लिखकर संदेश भेजूंगा। शारीरिक अवस्थाएं मेरी पेन है और समय मेरा दूत। जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए थे वह पहला संकेत था। जब तुम्हारे सारे दांत टूट गए वह मेरा दूसरा संकेत था। तीसरा संकेत जब तुमने अपनी दृष्टि खो दी, और चौथा संदेश था जब तुम्हारे शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया लेकिन तुम इनमें से किसी संकेत को समझ न सके। तब जाकर अमृत को अपनी एहसास हुआ कि वाकई यमराज मृत्यु से पूर्व संदेश भेजते हैं। कोई भी इंसान तृष्णाओं और विलासिता में अंधा होकर इन संदेशों की परवाह नहीं करता है, लेकिन यह सत्य है कि जब इस संसार में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है।